ये मेरा टीवी का मॉनिटर है और इसको मैंने वीजीए केबल के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट किया है और ये इनवैलिड फॉर्मेट दिखाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मेरे पास दूसरा भी मॉनिटर है, जो कंप्यूटर का मॉनिटर है मेरा पुराना, जिसे मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। मैं उस मॉनिटर को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया, कोई भी इनपुट नहीं है अभी इस मॉनिटर पे। अब मैं इसे इनपुट देने के लिए जो वीजीए केबल मेरे टीवी के मॉनिटर में लगी है उस वीजीए केबल को बाहर निकालता हूँ। ये देखिए, आपको अगर वीजीए केबल नज़र आ रहा है, ये निकाला मैंने, प्लग आउट किया और अब उसे कंप्यूटर के मॉनिटर में, जो ओरिजिनल मेरा कंप्यूटर का एलजी का मॉनिटर है, उसमें प्लग इन करता हूँ। सीपीयू ऑलरेडी शुरू है, इसीलिए इनवैलिड फॉर्मेट दिखा रहा था टीवी पर। ये मैंने अटैच कर दिया है, प्लग इन कर दिया है वीजीए। सीपीयू शुरू है और ये स्टार्ट हो गया है। जैसे कंप्यूटर के मॉनिटर पे स्टार्ट हो गया है, अब इसे हमको टीवी के मॉनिटर पे चलाना है, तो हम इसका रेजोल्यूशन चेंज करेंगे। राइट क्लिक करके स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाकर और लोअर रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि टीवी का मॉनिटर ज़्यादा हाइयर रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो इनवैलिड फॉर्मेट बोलता है। तो उसे लोअर रेजोल्यूशन सिलेक्ट किया और अब ये वीजीए केबल फिर से प्लग आउट करता हूँ मॉनिटर में से और इसे अब टीवी के मॉनिटर में प्लग इन करता हूँ। जगह यहाँ पर कम है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है प्लग इन करना। ये मैंने प्लग इन कर दिया। अब सीपीयू ऑलरेडी स्टार्ट ही है, ये रिमोट से शुरू करता हूँ और अब देखते हैं ये शुरू होता है क्या। इनवैलिड फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। तो ये स्टार्ट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे। एलजी का मॉनिटर मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।